आलू है दम, आलू के दम। एक्चुअली ये जो आलू है ना, ये मेरा जेठानी जो है वो गए थे दारिंगगढ़, उड़ीसा की जो दारिंगगढ़ है ना, वहाँ पे गए थे और उसको लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि इसको दम ही बना लेती हूँ। तो इसको मैं प्रेशर देती हूँ, जो प्रेशर है ना, मुझे मैंने दोपहर को डाल की थी उसमें प्रेशर में, ये इसलिए ऐसा दिखता है। तो कुछ नहीं चलेगा। तो इसमें मैं अभी सीटी दे रही हूँ आलू को, ये जब पक जाएगा तो हम बनाएंगे दम का आलू। तो इसके लिए हम थोड़ा मसाला रेडी कर रहे हैं, जो है ठंडे टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन, इसको हम चॉप कर देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा साइज काट लेंगे और इसी में बनाएंगे। तो ये मैंने रेडी कर ली आलू और सॉरी प्याज और टमाटर अदरक लहसुन को मैं पीस कर दिया हूँ। और ये जो कढ़ाई है ना, ये भी दोपहर को मैंने भाजी बनाया था और वही कढ़ाई में मैं अभी दम बना रही हूँ। तो देखिए मैं थोड़ा गैस को, फ्लेम को स्लो कर दी हूँ, तेल नहीं तो ज़्यादा पक जाएगा। तेज पत्ता एक डाल दी और जीरा, मैं जीरा डालती हूँ स्पेशली, क्योंकि जीरा का जो दम वाले आइटम में। तो अभी प्याज डाल दी और प्याज को थोड़े टाइम के लिए हम छोड़ देंगे तेल में पकने के लिए, थोड़ा नरम हो जाएगा प्याज। तो उसमें मैं ऑरिजिनल प्याज का जो तेल है वो चला जाएगा, तो अच्छा लगेगा। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, आप सब कैसे बनाते हैं थोड़े मुझे कमेंट करके बताना प्लीज। और चलिए हम अभी ये जो टमाटर मैं काट के रखे हुए थे उसको भी अभी डाल दूँगी, तो उसको थोड़ा मिक्स कर दूँगी तेल के साथ, टमाटर प्याज को थोड़ा मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। तो अभी हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, मतलब अभी डाल देंगे क्योंकि तेल में वो भी मिक्स हो जाएगा, थोड़ा कलर आ जाएगा। अभी हम थोड़ा नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार के नमक। तो अभी हम थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे क्योंकि थोड़ा, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे लोग होते हैं ना वो मिर्ची नहीं खा पाते, तो इसलिए हम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि थोड़ा नहीं डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा तो तीखी होना चाहिए हल्का सा। सिर्फ कलर के लिए मैं अभी डाल रही हूँ, तीखी तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो बच्चे लोग हैं ना जो नहीं खा पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए। तो मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, भारत मिर्ची में हमेशा यूज़ करती हूँ, कश्मीरी भी लाल मिर्च भी पीछे भी यूज़ करती हूँ। अभी तो अभी जो मेरा रसोई में वाटर का जो टेस्ट था उसको मैं मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, देखिए बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा। मतलब ये जो टाइम आता है ना मसाले का, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो सुंदर दिख रहा है। तो अभी थोड़ा हो गया, अभी आलू हो गया है पूरी तरह से, मैं उसको छील नहीं पाई, इतनी छोटा है तो बोलिए मत। तो इसको मैं डायरेक्ट मिला दिया मसाले में, अच्छी तरह से वो मिक्स हो गया। तो थोड़ा टाइम कर देंगे, अच्छा लगेगा, मतलब इसका फ्लेवर टेस्ट कुछ अलग सा हो जाएगा। तो मैंने अभी मिक्स कर दी हूँ। तो मिक्स करने के बाद अभी तो एक्चुअली मैं जो जब दही वड़ा बनाती हूँ ना, मैं ऐसे आलू के दम करके खाती हूँ तो अच्छा लगता है, पूरा फैमिली हमारी खाते हैं। और अभी जो गर्म पानी था वो हमने अभी दे दी हूँ इसमें, तो वो जो गर्म पानी में पक जाएगा थोड़ा, तो उसका ओरिजिनलिटी दम आलू दम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ढाँक देंगे और ढाँकने के बाद अभी देखिए ये जो पक गया है वो अच्छा, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें, रियली बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, ये स्मेल मुझे बहुत पसंद है। खाने में जितना मतलब खाती हूँ मसाला चीज़ मुझे इतना पसंद नहीं, पर ये मुझे बहुत अच्छा, ठीक है। अभी जो धनिया है ना, उसको धनिया पत्ता था उसको मैं ये इसमें डाल दी हूँ, धनिया मेरा फेवरेट है, उसका स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत। मैं ट्राई करती हूँ